देश और दुनिया की 30 बड़ी खबरों के साथ देश हित सुपर 30 से। झारखंड के अंकिता मर्डर केस में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, सीएम का बयान, दोषियों को मिलेगी सजा। बीजेपी बोली, सोरेन कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति। दुमका की बेटी अंकिता की मौत के बाद बीजेपी ने किया जगह जगह प्रदर्शन, छात्रा की मौत पर दुमका में भारी तनाव, जिले में धारा 144 लागू। गणेश चतुर्थी के मौके पर बेंगलुरु में मीट बेचने पर लगा प्रतिबंध, फैसले पर ओवैसी ने दिया संविधान के आर्टिकल्स का हवाला, कहा मुसलमानों को दबाने की कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का असम दौरा, कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना, कहा लोगों के घरों से पैसे लूटने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। दिल्ली विधानसभा में पूरी रात धरना देंगे आम आदमी पार्टी के विधायक, उपराज्यपाल पर लगाया घोटाले का आरोप, जताएंगे विरोध। केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने लगाया क्लासरूम टेंडर में धांधली का आरोप, कहा 2400 कमरों को बढ़ाकर 7180 किया, आम आदमी पार्टी ने टॉयलेट को क्लासरूम बना दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जयराम रमेश बोले गुलाम नबी आजाद ने लिया पार्टी को बदनाम करने का ठेका। गुलाम नबी आजाद ने घटना का जिक्र कर प्रधानमंत्री की तारीफ की, कहा मैं मोदी को क्रूर समझता था, प्रधानमंत्री ने इंसानियत दिखाई। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले राहुल गांधी को मनाने में लगे बड़े नेता हरीश रावत, मल्लिकार्जुन खड़गे और सलमान खुर्शीद ने बताया राहुल को कार्यकर्ताओं की पहली पसंद, नाराज गुट के आनंद शर्मा ने चुनाव की प्रक्रिया पर ही उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा यूज एंड थ्रो पॉलिसी अच्छी नहीं, कहा मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बजाय कुएं में डूब जाना पसंद करूंगा। व्हाट्सएप पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के नाम पर हो रही है पैसों की उगाही, व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर मांगे पैसे, मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। सोनाली फोगाट की मौत के मामले पर गोवा सीएम का बयान, कहा जांच बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, जरूरत पड़ी तो जांच सीबीआई को देने को तैयार। आसाम के बारपेटा से अलकायदा के दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, अवैध मदरसों पर चला बुलडोजर, मदरसे में आतंकी गतिविधियों को चलाने का आरोप। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने की भारत की तारीफ, कहा भारत की आजादी के बाद से भारत रशिया के संबंध उच्चतम स्तर पर। पाकिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही, सड़कें तबाह, परिवार हुए बेघर, 1061 लोगों की मौत। अलीगढ़ में मंदिर के अंदर तोड़फोड़, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। यूपी के बिजनौर में बुलडोजर लेकर ससुराल पहुंची महिला, 5 साल बाद घर में मिली एंट्री, दहेज की मांग कर ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। आसाम के बारपेटा में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बना था मदरसा, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में टैंकर और ट्रैक्टर की टक्कर में 6 लोगों की मौत, हादसे में घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम। बिहार के वैशाली में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत, 2 बीमार, फिर उठे नीतीश सरकार के शराबबंदी के फैसले पर सवाल, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले मौत की वजह पर बोलने से किया इनकार। रीवा में बाल सुधार गृह से 5 बच्चे भागे, किचन की खिड़की तोड़कर भागने का वीडियो आया सामने, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कोरिया में झरने में नहाने के दौरान 7 लोग डूबे, सिंगरौली जिले से 14 लोग पिकनिक मनाने गए। छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर बैलेंस बिगाड़ने के बाद सड़क से कार नीचे गिर गई, बैलेंस बिगड़ने के बाद और कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए, सांसद नकुल नाथ ने सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील। आगरा में लोन फ्रॉड कंपनी का पर्दाफाश, कैंसिल चेक के जरिए लोगों से करते थे ठगी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर महिला समेत 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, नक्सलियों पर चोरी डकैती के अलावा हत्या के 14 केसेस दर्ज, कुल 10 लाख का इनाम मिला। मुंबई में गणेश चतुर्थी की भव्य तैयारी, लालबागा के राजा की दिखी पहली झलक, 31 अगस्त से मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड, 3 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कर्नाटक के रामनगर में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल, दरिया बनी सड़कें, पानी में डूबी गाड़ियां।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बच्चे का रेस्क्यू किया। उफंती नदी के बीच फंसा हुआ था बच्चा।